वहीं लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी को 220 से कम सीटें मिल रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में उनकी सीटें कम होने जा रही हैं। वही भाजपा अपनी सरकार नहीं बनाने जा रही है और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट भी नहीं देगी। देश भर से अब जो ट्रेंड आ रहे हैं वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों। 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद। वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है।